मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय निरुपम ऐसा कह रहे हैं कि कुर्सी से नहीं चिपकना चाहिए, जेल से कैसे सरकार चलेगी भाई? हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे, कोई लॉ उनको प्रिवेंट नहीं करता ऐसा करने में, पहला जवाब आपका। आप बोल। करवाली बेस्ती। देखिए अंजना जी, आम आदमी पार्टी की तमाम कमियां निकालना, आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़ा करना, मैं सबसे अग्रणी पंक्ति में रहा कांग्रेस की तरफ से, मैक्सिमम आपके चैनल्स पर भी सवाल उठाए, लेकिन आज जो हालात देश के हो गए, 10 साल के जो हालात हमने देखे, उस हालात को देखकर आज ये लगता है कि बीजेपी जो कर रही है वो आज संविधान और देश सबसे पहले है। मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल देता हूँ। वीरभद्र सिंह जी के यहाँ पर रेड पड़ी, उनके बच्चे की शादी थी, उस दिन पर आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अशोक गहलोत जी के जानकार नजदीकियों पर रेड हुई, कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कर्नाटक में जब चुनाव आया कुछ नहीं हुआ। 2019 में आप और हम साथ थे, रॉबर्ट वाड्रा जी को ईडी का समन मिला 2019 में, जयपुर गए थे, वो पेश हुए थे, उसके बाद आज तक कहां गाड़ी पहुंची नहीं पता। यही नहीं, अभी और सुनिए। डक्कन हेराल्ड 2013 से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। आदर्श घोटाले वाले बीजेपी में शामिल, सुवेंदु अधिकारी, नारायण राजे, राणे, अजीत पवार, सब बीजेपी में शामिल। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तो और तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ का मॉल मिला है, ये तमाम हिंदुस्तान के चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। थोड़ी मजा आता रखिए, अगर फर्क के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं। बात ये नहीं, आज बात ये है कि 2014 के बाद से एक भी FIR और एक भी व्यक्ति कन्विक्शन हुआ हो उसमें मोदी साहब नहीं कर पाए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूँ, बार बार कह रहे हैं न्यायालय का फैसला, न्यायालय का फैसला, एक तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया। अरे भाई, जिस ईडी का डायरेक्टर 5-5 साल तक इलीगल तरीके से अपनी पोस्ट पे बैठा हो, वो भी लोग तमाचों की बात कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। दो बार पानी में जाके डूब के मर जाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जिस तरह से उसके ऊपर तमाम आरोप लगे, पूरे देश ने मीडिया में तमाम आरोप सामने दिखे, और अगर न्यायालय की ही बात माननी है तो 2G में सबसे पहले बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए मैं केवल ये कहना चाहूंगा, बीजेपी का बड़ा वो था, इनका तकिया कलाम था 2G 4G जीजाजी। कि जो बच्चे संसद में कूदे थे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमें प्रताड़ना दी जा रही है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, किस लिए, कि विपक्ष को फंसाइए। मस्त प्लानिंग, लौड़ा का सरकार है। जब जांच एजेंसियां इस लेवल पर आ जाएं और सरकार के इशारे पर काम करें, तो आप सोचिए क्या होगा। अब तुम्हें शर्म है, कुछ कुछ शर्म आया है। मजा आया।